गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव पलवन चैनल में आपका स्वागत है। जो एजुकेटिव पलवन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ टर्नस्टाइल एंड व्हाट इज नीड। टर्नस्टाइल होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक व्हाट इज अ टर्नस्टाइल। तो टर्नस्टाइल होता क्या है। तो टर्नस्टाइल्स के अलग अलग नाम है, उसको टर्न फ्लिक, गेट लाइन, बेफेल गेट, ऑटोमेटिक गेट और टर्न गेट आदि नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो टर्नस्टाइल का जो भी इन्वेंटर है यानी कि जिसने उसका पहले इन्वेंट किया तो उसका नाम है जॉनी पेरी एंड कनराड ट्रुबेंचर। यानी कि 1928 में जॉनी और कनराड ने दोनों ने उसका इन्वेंटेशन किया। फर्स्ट में 20 सेंचुरी में उसका फर्स्टली इंस्टॉलमेशन टर्नस्टाइल का हुआ। इंस्टॉल टर्नस्टाइल गेट इन द फर्स्ट शॉपी में फर्स्ट उसको इंस्टॉल किया गया इस टर्नस्टाइल को। तो अवॉइड ओवरक्राउडिंग, पीपल का जो ओवरक्राउड होता है उसको रोकने के लिए फर्स्टली 20 सेंचुरी में फर्स्टली शॉप सेंटर में उसको इंस्टॉल किया गया। 1969 में पिगी वेगली रिटेल नेटवर्क इन द यूएस इसमें पहले उसका प्रयोजन किया गया था। तो ये उसकी हिस्ट्री हुई। हिस्ट्री अगर जॉन बताने चाहते तो आपको 20 सेंचुरी में उसको फर्स्टली शॉपिंग सेंटर में इंस्टॉल किया गया। 1960 में पिगी वीकली रिटेल नेटवर्क में फर्स्टली यूएस में यूज किया। और जो भी इन्वेंटर है उसका तो 1928 में जॉन पेरी और कॉन्राड ट्रुबेच इन्होंने फर्स्टली इसको इन्वेंट किया। अब ये डिवाइस होता क्या है, व्हाट इज अ टर्नस्टाइल। तो अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द वे इनटू और आउट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि जो भी बिल्डिंग होती है आपकी प्रीमाइसेस होता है उसका जो इन एंड आउट गेट होता है उसको क्या कहता है, कंट्रोल करता है। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, टर्नस्टाइल बोलते हैं। जो भी डिवाइस होता है जो कंपनी या तो ऑफिस बिल्डिंग उसका जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट कंट्रोल करता है उस गेट को क्या बोलते हैं, टर्नस्टाइल गेट। यानी कि वो बिल्डिंग रूम्स होते हैं, एरिया ऑफ लैंड होता है, अ गेट दैट ओनली वन पर्सन एट ए टाइम पास थ्रो। ये गेट इसको भी बोलते हैं कि जिस गेट से फर्स्टली ओनली वन पर्सन पास हो सकता है, अदरवाइज सेकेंडली जब आप उसको सेट करेंगे तो ही दूसरा पर्सन उससे पास होएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे गेट्स आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो बिल्डिंग ऑफिस, आईटी कंपनीज, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्राउड कंट्रोल करने के लिए ये ऐसे गेट्स आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यूज टू ऑफ टर्नस्टाइल। ए टर्नस्टाइल का यूज होता क्या है। तो टर्नस्टाइल का यूज होता है कंट्रोल एक्सेस, यानी कि जो भी एक्सेस कंट्रोल है उसके आने जाने की इन और एग्जिट गेट पे एक्सेस डोर पे कंट्रोल रखने के लिए उसका यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर्स, जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है उसके ऊपर रीडर, बायोमेट्रिक रीडर या तो कार्ड रीडर, एक्सेस रीडर बताया होता है, बिठाया होता है, इंस्टॉल किया है, तो उस जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका यूज होता है। उसके बाद में मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी लोग आते जाते हैं, एम्प्लॉयज आते जाते हैं, वेंडर विजिटर आते जाते हैं, उनका मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज होता है। तो टर्नस्टाइल प्रोवाइड सुपीरियर एक्सेस कंट्रोल बाय बोथ डिटेक्टिंग एंड डिटरिंग अनऑथराइज्ड एंट्रीज। यानी कि जो अनधिकृत प्रविष्ट करने वाले लोग है उनको उनके प्रविष्ट है उसको पहचानने के लिए और उसको उसके ऊपर रोकथाम लगाने का काम ये टर्नस्टाइल डिवाइस करता है। तो इसके ऊपर बायोमेट्रिक कार्ड रीडर बिठाए होते हैं, एक्सेस कार्ड रीडर बिठाए होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी बिठाए होते हैं। तो ये ऐसा डिवाइस है। उसके बाद में देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज अ टर्नस्टाइल। ये टर्नस्टाइल उसका फंक्शन कैसे चलता है, उसका कंट्रोलिंग कैसा होता है। तो यूज टू रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एरिया है वहां पे यूज होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए और एंड कंट्रोल पीपल ट्रैफिक, द ब्रिंग ऑर्डर टू क्राउड्स, एग्जिटिंग एंड एंजॉयमेंटिंग पार्क्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। यानी कि जो भी क्राउड्स है उसको रोकने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, एग्जिटिंग स्टेडियम्स होते हैं, वहां पे जो क्राउड्स होता है उनको कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। सिक्योरिटी टू हाई रिस्क एरिया लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस, लॉबीज, डाटा सेंटर्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, यहाँ पे भी ये इंस्टॉल किया हुआ आपको दिखाई देगा।
उसके बाद में फोर्थ इज अ टर्नस्टाइल मटेरियल। टर्नस्टाइल्स का जो बॉडी है वो कहां कैसे बनता है, उसमें क्या क्या यूज होता है। तो टर्नस्टाइल बनता है गैल्वेनाइज्ड, एक गैल्वेनाइजर से बनता है, पाउडर कोटेड होता है और गैल्वेनाइज्ड और पाउडर कोटेड होता है और स्टेनलेस स्टील, यानी कि गैल्वेनाइज्ड पाउडर कोटिंग और स्टेनलेस स्टील सारी चीजों से ये टर्नस्टाइल बनाया जाता है। उसके बाद में टर्नस्टाइल के टाइप्स कितने, तो टर्नस्टाइल्स के टोटल 5 टाइप्स है। तो पहला स्लाइडिंग बैरियर टर्नस्टाइल, नेक्स्ट वेस्ट हाइट टर्नस्टाइल, थर्ड ट्राइपोड टर्नस्टाइल, फोर्थ ऑप्टिकल बैरियर टर्नस्टाइल और लास्ट स्विंग बैरियर टर्नस्टाइल्स। तो आपको ये 5 टाइप्स ऑफ टर्नस्टाइल्स पता होने चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि टर्नस्टाइल होता क्या है। तो ये टर्नस्टाइल एक डिवाइस होता है जो किसी भी कंपनी ऑफिस गेट पे एंट्रीज जो भी इन और आउट जो भी पर्सन होते हैं उनको रोकने की और अनऑथराइज पर्सन को पहचानने की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका यूज होता है। और जो भी आपके बिल्डिंग ऑफिस आईटी पार्क है, बड़े बड़े इवेंट होते हुए वहां पे टर्नस्टाइल को इंस्टॉल किया हुआ दिखाई देगा। उसका फर्स्ट में इन्वेंटेड किया था 1928 में जॉन पेरी और कॉनरेड ट्रबच ने। तो फर्स्टली तो इंस्टॉल किया था उसको एक शॉपी रिटेल शॉपी में। उसके बाद में उसके बनाया जाता है गैल्वेनेटर पाउडर कोटिंग और स्टेनलेस स्टील से। उसके बाद में उसके 5 टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग बैरियर टर्नस्टाइल, वेस्ट हाइट टर्नस्टाइल, ट्राइपॉड टर्नस्टाइल, ऑप्टिकल टर्नस्टाइल और स्विंग बैरियर टर्नस्टाइल। तो आपको कभी भी अगर कौन सी कंपनी में हो तो अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। तो गेट लाइन बोलते हैं, कभी बफेल गेट बोलते हैं, कभी ऑटोमेटिक गेट बोलते हैं, टर्न गेट बोलते हैं, इस टर्नस्टाइल के आदि नाम है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।